नमस्कार सर। नमस्कार भैया। नमस्कार। और सर कैसे हैं? ठीक है भैया, ठीक है जी। सर आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी बताइए सर। हमारे एक पुराने ना शौकीन हैं जी भाई, कलकत्ता से जी। ये उनका रिपीट ऑर्डर है। अच्छा। उनके लिए चरखे निकाले हुए हैं, 20 चरखे हैं। अच्छा, 20 चरखे। हाँ, शौकीन है। शौकीन है, उनके साथ 2-4 लोग और उड़ाते हैं साथ में। जी जी। तो उनका रिपीट ऑर्डर चलता रहता है, वो इतने ही लेते हैं क्योंकि दूर से हैं जी। तो 2-2 4-4 चरखे कहते हैं हमको दिक्कत होती है मंगाने में, तो एक ही बार मंगाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कितनी बार ले चुके हैं वो आपसे? 5-6 बार मुझसे ले चुके हैं। अच्छा जी। जिसमें आपने मंजे दिए? और जी हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये सिकंदर सुपर स्टार है। देखिए ये 2005 की डोर है। देखिए तो प्रतीप भाई के लिए जा, प्रतीप भाई के लिए सारे मंजे प्रतीप भाई के हैं जी। ये अदनान अली की है, देखिए ये 2011 की है जी। ये देखिए अदनान अली की, ये 2010 की है देखिए जी। ये बशीर बेग की है जी, ये भी करीब जो है 16-17 साल पुरानी डोर है जी। और ये शबाब मियाँ की है जी, ये 2005 की है। देखिए डोर, देखिए बहुत शार्प काटा है, एकदम ब्लेड की तरह है। सर सर ये ब्लेड की तरह काटा कब बनता है डोरों में? भैया जब डोर पुरानी हो जाए तो उसमें सामान अच्छे लगे हो, शीशे अच्छे, सुताई अच्छी हो, तब इस तरह की डोर रह पाती है जी। और ये काटा हर जगह में नहीं मिलेगा? मिलेगा कैसे, कोई आदमी सामान जानते ही नहीं तो लगवाएगा क्या? दुकानदार जो बाजे वाले बना के दे देते हैं वही सामान यही काफी। दुकानदारों वाला क्या, उनको आया उनको बेचना है जी। इतने पुराने सर डोर कहाँ रख पाते हैं? जी हाँ, वही रीज़न है कि क्योंकि पूरे इंडिया में आप ही सर देते हैं, क्योंकि आदमी कोई भी होगा वो पैसा ब्लॉक नहीं करेगा। नहीं करेगा भाई, मैं तो शौकीन, मैंने अपने लिए बनवाया था जी। इतनी हो गई, अब मैदान कहाँ जा पाता हूँ, पैर में प्लेट भी पड़ी हुई है जी जी जी। अच्छे अच्छे शौकीन मुझसे संपर्क करते हैं, मैं उनको देता हूँ जी। ये देखिए शबाब मियाँ की डोर है, ये भी देखिए 18 साल पुरानी डोर है। ये पहले का लेवल है, सागर रोड शबाब जी। ये देखिए बहुत शानदार डोर है, बहुत शार्प काटा है प्रतीप भाई, मतलब मजा आ जाएगी आपको। बहुत अच्छे शौकीन भी हैं, उनको करीब करीब मैंने 5 बैग जो है करीब 300-300 पतंगों का पैक, धारदार पतंगे दिए पौने पौने अच्छे अच्छे कारीगरों के जी। ये देखिए इशाक मंसूरी की डोर है, डबल पट्टी में। हाँ, ये 2009 की है, डबल पट्टी की डोर है। देखिए ये देखिए, ये भी इशाक मंसूरी की है, करीब 18 साल पुरानी डोर है सर। ये तो अंदाज लगा लीजिए सर, ये तो एकदम लग रहा है कि एकदम अभी आई है। हाँ भैया, डोर में खूबी ना हो तो आदमी ले क्यों? देखिए मतलब कितनी बार भी हाथ करिए, आपकी डोरों में ये चीज तो है, कितनी बार भी हाथ फेरिए डोर डोर डल पड़ेगी नहीं सर। यही मटेरियल का फर्क है सर जी, और यही आपको मतलब आपके पास तो हर कांटे की डोर मिल जाती होगी सर? हर कांटे की, हर सीजन में जी बताइए, सीजन के हिसाब से होती है। मैं शौकीन से पूछ लेता हूँ किस समय लड़ाना है, कितनी बड़ी पतंग उड़ाते हो, कब हवा में लड़ाना है, तेज हवा में लड़ाना है जी, और कैसा मौसम रहता है, तो सारी बातें पूछ के हिसाब से देता हूँ मैं। दुकानदार थोड़ी नहीं, जो मेरे यहाँ गया मैंने उठा सब बेचना है जी, दुकानदारों को नहीं मालूम होता। उसके यहाँ तो जो 20 चरखे आए उसको 20 बेच देना, तो दूसरा ऑर्डर करना है जी जी। ये तो मेरे इतने पुराने पुराने डोर है, तो देखिए जी 13/5/2004 की डोर है जी। अब देख लिए 20 साल हो रहे हैं करीब, इससे आराम से पौने वगैरह आराम से उड़ेंगे, इसी गारंटी है मेरी जी। देखिए पहले उसको 2 चरखे इनको दिए थे, 2 उन्होंने और रिपीट किए यही वाले। अच्छा अच्छा, ये मतलब एक ही डोर, अब ये कारीगर डोर नहीं बनाते हैं जी। ये देखिए ये सब क्वालिटी मिलती है वीरू भाई के पास, जो कहीं पूरे इंडिया में नहीं मिल पाएगी। और हर कांटे की जो ब्लेड का कांटा होता है वो ऑलराउंडर डोर होती है। चरखे से अंदाज लगा लिए तब सर, यूट्यूब पे अब देखिए बहुत सारी चीजें कॉपी होने लगी हैं आपकी, जो कि आप बहुत पहले ही सब चीजें खुलासे कर चुके हैं। पहले ही बता दिया, लोग वही है ना चुरा चुरा के मेरी बातों को है ना तोड़ रोड़ करके बोलते हैं कि मैं भी सामान लगवाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। कोई दुकानदार कहीं नहीं जाता जी जी, सब बेवकूफ बनाते हैं जी, किसी को मालूम ही नहीं है तो जी, करेगा क्या जी जी। मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे जो मालूम है प्रूफ ये रहा सर का, ये रखे हुए हैं तो आपको पहले दिखा चुका हूँ सब कुछ जी। ये सब मटेरियल पढ़ते हैं सर के, जो भी पढ़ते हैं वो तो कुछ सीक्रेट्स भी हैं। और ये सर ये जो डिब्बे वगैरह जो रखे हुए हैं सर, अलग अलग मौसम के अलग अलग मसाले, अलग अलग मौसम के हिसाब से इसमें सामान है भैया। अच्छा, मतलब आपने पहले ही रेडी करके रखे हैं कि कौन से मौसम में कौन सा सामान लगना है, मुझे जानकारी है, मैं कारीगर को वही देता हूँ तो वही सामान लगता है जी।
उसी हिसाब से मांझे बनते हैं। और बताइए कहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जो सर के पास है, वो कहीं नहीं मिल सकता आपको पूरे इंडिया में, क्योंकि सर खुद एक शौकीन आदमी हैं और सर दे जानते हैं। सर आप कस्टमर को किस तरीके से डील करते हैं, मतलब पहले पूछ लेते हैं सब चीज़ें? हाँ भैया सब पूछ लेता हूँ मैं सब पूछ लेता हूँ कि किस मौसम में उड़ाना है, कितनी बड़ी पतंग उड़ाना है जी, कितनी दूर लड़ाते हो उस हिसाब से। और अगर उनको पेचेस में लड़ाने में कोई दिक्कत आती है तो मैं बताता हूँ, वो बता देते हैं कि मैंने ऐसे लड़ाया था ऐसे कट गई मेरी पतंग जी जी, तो उनको बताता हूँ कहाँ पे आपने गलती करी थी जी जी, तो उस हिसाब से वो करेक्ट कर लेते हैं, पेच काटते हैं। तो बताइए ये सब फैसिलिटी कहाँ मिलेगी आपको, और सर के तो आप पूरे इंडिया में सर कितने सर? भैया मेरे तमाम शिष्य हैं, कहाँ कहाँ के मैं आपको बताऊँ, मेरे तो विदेशों में भी शिष्य हैं, मैंने वीडियो में मेरे पढ़े हुए हैं, मेरे पाकिस्तान के कई आदियों पढ़े हुए हैं जी, कई लोगों ने मुझे उस्ताद बोला, मुझसे पूछते हैं, मुझसे मांझा भी लेते हैं जी जी। देखिए ये तो सलीम उस्ताद मिर्चा जी का ब्रांड है, ये सलीम उस्ताद मिर्चा जी का ब्रांड है। रुस्तमे सोहराब, रुस्तमे सोहराब सर बहुत शार्प काटा है, सलीम है सलीम वही बनाता था जी। देखिए ये भी करीब है ना 14-15 साल पुरानी रोल है। देखिए ये क्वालिटी मिलेगी आप लोगों को दोस्तों की, डोर पट नहीं होगी और इतने साल पुरानी और ब्लेड का काटा। लोग कहते हैं सर, लोग कहते हैं कि खींच की डोरे अलग होती हैं, फंस की डोरे अलग होती हैं, आप उसके थोड़ा सा कुछ बता दीजिए थोड़ा। भैया क्या बताऊँ मैं, जिसमें धार थोड़ा लोगों को दिखाई पड़ता है, मोटा शीशा लगा है वो खींच के लड़ाते हैं जी, और जिसमें महीन शीशा लगा होता है वो डोर फंस के बहुत अच्छी लगती है। तो सर क्या सिर्फ शीशे का खेल होता है? शीशे का तो खेल है ही मेन, शीशा अगर नहीं पड़ा होगा तो डोर में धार कैसे आए, खाली सामान से धार नहीं आती, सामान जो है इन शीशों को रोके रखते हैं, शीशा और जो मटेरियल है उनको बरकरार रखते हैं सालों साल, सालों साल बरकरार रखे तभी उद्धार बनी रहेगी जी। जब वो मटेरियल ही नहीं पड़े होंगे जमाव वाले अच्छे जी, तो डोर में कहाँ दम रहेगी जी। शीशा क्या है, शीशा ऐसे तो नहीं रुक जाएगा भैया जी, ये तो आप देखिए इसाक मंसूरी की डोर है, देखिए उड़ा ले तो मतलब हाथी काट डाले, देखिए देखिए बिल्कुल जी, 17 साल पुरानी डोर है, चरखे से अंदाज लगा लिए चरखे कब चलते थे, और सर पौना आराम से गारंटेड उड़ेगा, अगर कोई इशू अगर इसमें आ गया तो पैसे वापस, पूरे पैसे वापस, पूरे पैसे वापस जो यूज किया वो भी जी हाँ जी हाँ। ये भैया चेक करके सब दिया जा रहा, कलकत्ता यहाँ नहीं रखा है जी, और जो इतने का माल 70-80 हज़ार रुपए का जो माल ले रहा है वो बेवकूफ नहीं है जो मुझसे रिपीट ऑर्डर करता रहता है जी जी बिल्कुल। देखिए ये अजगर भारती की डोर है, किसके पास मिलेगी, ये अजगर भारती है गोल्ड, कितनी महीन डोर है देखिए, उधार देखिए ये महीन डोर दोस्तों, आप लोगों को धागा तक नहीं टूटा, देखिए आप खींच लीजिए हाथ को, बस बस देखिए जैसे चाहे वैसे लड़ा दिए, पौना आराम से लड़ेगा, डोर में चेक करके देता हूँ, ऐसा नहीं है कि जो आया समझ में दे दिया, जो जैसा पतंग उड़ाता है, तगड़ा उड़ाता है, हल्का उड़ाता है जी, सभा में लड़ाता है, वो सब जानकारी करने के बाद मैं डोर प्रोवाइड करता हूँ जी। और सर कलर की भी बात होती है ना, कलर की बात होती तो मैं उससे पूछ लेता हूँ उसका जो पसंदीदा कलर होता है। नहीं कलर, कलर जैसे सर्दियों में कुछ कलर का भी इशू रहता है, कुछ लोग अब जैसे कुछ दुकानदार वो लोग बता रहे थे हाँ, कि कलर का कोई महत्व नहीं होता है। अरे उनको मालूम ही नहीं है, लाल डोर अगर बरसात के मौसम में लड़ाएंगे तो एकदम झूल के झुलमा हो जाएगी, लड़ेगी नहीं, इतनी अच्छी किसी से भी डोर बनवा लाइए। अब बताइए सर इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं और कुछ नौसिखिया लोग, नौसिखियों को क्या मालूम है, वो शॉपकीपर्स हैं बस, शॉपकीपर्स बेचना है हाँ, तो हर कलर में उनको कुछ मालूम नहीं रहता, खाली उनको तो मंजा बेचने की बस ये रहती है कि यहाँ से ले जाओ पीछा छूटा जी जी जी, क्या वापस करने जाओ तो कहे मेरे यहाँ से कब ले गए थे, हाँ 420 तो सर बहुत है मार्केट में, तीसरे दिन जाओ कहते भैया तीसरे दिन नहीं वापस होता, उसी दिन लड़ा के वापस ले आते, यहाँ तो 15 दिन के बाद आप वापस, अगर कोई ऐसी बात होती तो 15 दिन के तक आपको छूट है जी, 15 दिन के आप हमको फोन करके ही बता दीजिए, तो एक महीने के बाद ही मांझा आ जाएगा, मैं पूरे पैसे वापस दूंगा जी, अगर आपने यूज भी नहीं किया तो। हाँ यूज कर लिया तो भी कोई बात नहीं जी जी, जब यूज नहीं करेंगे तो मालूम, पास नए मंजे भी रहते हैं जी हाँ, नए मंजे हैं, अभी 15-20 दिन पहले देखिए कारीगर लेके आया था, देखिए वो लगे हुए जी पीछे वाली लाइन, पीछे वाली लाइन में काफी, तो सर के पास नए मंजे आते जाते रहते हैं जी। सर कितने दिन पहले लेके आए थे कारीगर? करीब 20 दिन हो गए। अच्छा अच्छा, 20 दिन पहले आदमी आया था जी जी। जी भाई साहब बताइए, वकील मोहम्मद है, मैं आऊंगा बरेली से, भाई की जी, अभी आया हूँ 5 बजे जी, ठीक है
और ये डोर मैंने देखी है, जो नाम मैंने सुना था पीरू भाई का वैसे ही है, बाकी में 20 साल पुरानी डोर है ये देखो जी। एक नंबर का कांटा है इसमें भाई साहब, ये फंस के कैसी डोर लड़ेगी? और नंबर एक की डोर लड़ेगी, बाकी फंस के तो एक नंबर की लड़ेगी। और भाई साहब ये बताइए, क्या ये डोर कमजोर हो चुकी है? बहुत बढ़िया, इतनी मजबूत डोर है मैंने देखी है जी, एक नंबर की डोर है मजबूत की। आप अपने कारीगर होने का प्रमाण दे दीजिए। हाँ जी जी सर, आप अपने हाथों से काम करते हैं। ये आपके चरखे आए हुए हैं? ये मेरे चरखे लाया हूँ मैं जी, ये सब अभी नया माल आया हुआ है। और आज देखो जी, जितनी डोर मैंने देखी है सारी डोर है, जो जितनी पुरानी है पीरू भाई की रखनी है जी, एक नंबर की डोर है, बहुत बढ़िया बैठ गया इसमें ये देखो जी। अब ये आप ही बताइए, देखिए आप आए हैं तो आपने अपने आंखों से देखा, मतलब जैसा नाम सुना था उसी हिसाब से है? वैसी वाकई में ही नाम है, ऐसी बात नहीं जी, पीरू भाई की बात है, नाम है जो चीज है तो वो है। बाकी आपने पुरानी डोरे और भी देखी है? हाँ एक ये है डोर देखो पुरानी, देखो तो ऐसा लग रहा है कि बाकी में देखो तो छल्ले इसके कैसे कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं जी। और इतनी साल पुरानी होने के बाद, कम से कम 20 साल पुरानी डोर है ये देखो ऐसे, और धार आर एकदम ब्लेड की तरह हो गई, नंबर की धार डोर, मजबूती तो बहुत ही ज्यादा है, ये पहले से ज्यादा मजबूती है इसमें जी। चलिए भाई साहब, ये आपके भी चरखे आए हुए हैं, ये भी इसी तरीके से निकलेंगे, देखिए। हाँ क्या नहीं, बाकी ये नए चरखे आए हुए हैं भाई साहब, ये आपके चरखे अभी दिखाइए। हाँ। ये मेरे चरखे हैं देखो, देखिए इस क्वालिटी की डोर है। हाँ। और ये अभी थोड़ा वीरू भाई रोक के इसको आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, कम से कम 20-15 साल पुरानी हो जाएगी तो बहुत बेहतर हो जाएगी जी। और ये अभी वीरू भाई का काम है, जो काम करते हैं वो करते हैं, नंबर एक का काम है वीरू भाई का जी। बाकी तो, बाकी ये देखिए सब डोरे, हमारी डोर इसी तरीके की बन के आती है कि वो सालों साल चले, सालों साल चले। हाँ बात, ये केमिकल वाला तो कोई काम नहीं ना, है ना, ना केमिकल वाला काम नहीं है, देसी मसालों का सब बना हुआ है जी। तो भाई साहब ये बताइए कि जो खींच की डोरे होती है उसमें और फंसा की डोरों में क्या अंतर होता है? खींच की डोरों में जो है वो मेहनत से बनती है जी, खींच की डोरे वो फंसा के डोरों में। हाँ फंसा की डोर जो बनती है जी, वो मेहनत से बनती है जी, वो बारीक उसमें शीशा बैठता है, और खींच की डोर में तो कम मेहनत से ही बन जाती है, कम मेहनत से बन जाती है, तो रेट का भी फर्क रहता होगा, फर्क रहता है, क्योंकि आजकल तो हर जगह खींच के ही पता चल रहे हैं, आजकल खींच के चल रहे हैं, और वो अच्छी डोर इसलिए डोर तो भाई मेहनत से ही बनेगी, वो बनेगी फंसा के, वो लड़ेगी फंसा के जी। और ये पुरानी डोर जो आपने देखी है ये वाली, सब फसान वाली डोर है, एक नंबर की डोर है जी। और ये तो क्या, ये 20 साल पुरानी है। अच्छा एक चीज ये बताइएगा कि इसमें जिस हिसाब के काटा है ये फंसा के तो लड़ेगी लड़ेगी, क्या ये खींच से लड़ेगी? लड़ेगी, खींच से भी काम करेगी जी, काटा बहुत बिकट है जी, फंसा के तो नंबर एक की लड़ेगी लड़ेगी जी, इससे भी बहुत बढ़िया लड़ेगी। एक्चुअली हो क्या रहा है कि आजकल यूट्यूब पे आदमी ये बताने लग रहा है कि फंसाने की डोरे अलग होती हैं, सब चीजें अलग होती, खींच की डोरे वो होती हैं, मैं मानता हूँ कि, मगर भुरभुरा मसाला वाली वो फंस के नहीं कटे लड़ेंगी, बिल्कुल नहीं लड़ेंगी, मगर ये सब जो पुरानी हो जाने के बाद रखने के बाद जो क्वालिटी उभर के आती है तो वो ऑलराउंडर डोरों में आ जाती है, ऑलराउंडर ही बन जाती है जी, कि वो आप फंसा के लड़ाइए चाहे खींच के लड़ाइए जी। और बाकी ये आपके जो चरखे देगी दोनों तरफ से बढ़िया जी। और बाकी ये जो आपके चरखे आए हुए हैं, ये जो नए चरखे आए हुए हैं, आज तारीख बता दीजिए भाई साहब कितनी है? 6 तारीख है जी, 2024 जी, नवा महीना जी। बाकी सुबह के आप, मैं 5 बजे आया हूँ जी, भाई के जी, मैंने आके देखा है, बाकी में सारी डोर है, 20 साल 25 साल 20 साल तक पुराना माल है जी, और नंबर एक की क्वालिटी है जी जी। शुक्रिया भाई साहब, तब 6 तार से लेके 12 तार तक के डोर की डोरे मिलते हैं, 6 तार से लेके 12 तार तक की। सर की स्पेशलिटी ये है सर, इस चीज़ के लिए फेमस है कि सर का पुराने मंजों में बहुत नाम है और पूरे इंडिया में। हाँ। और सर ये जो ब्लेड वाली जो धारे होती हैं मंजे में,
ये कैसी डोरे होती हैं? ये बहुत बढ़िया डोरे होती हैं, ये पुरानी रखने के बाद इसमें डोर में लोच आ जाता है। नहीं तो क्या ऐसी खींच से लड़ती हैं? नहीं नहीं, फंसा के लड़ाई है चाहे खींच से लड़ाई है, वो तो आपके ऊपर है। आप जैसे ऑलराउंडर डोर, ऑलराउंडर डोरे हैं। तो अगर आपने आज तक यूट्यूब की हिस्ट्री में ये नहीं सुना है कि ऑलराउंडर डोरे होती हैं जी, तो वीरू भाई से मिल लीजिएगा आप, वो आपको बताएंगे कि ऑलराउंडर डोरे कौन सी होती हैं। अभी तक तो लोग हवा बनाए हुए हैं कि ये खींच की होती है, ये ढील की होती है, मगर ये पुरानी हो जाने के बाद जिस तरीके का मैं इसमें कांटा महसूस कर रहा हूँ, किसी में भी देख लीजिए कांटा, किसी में सब में कांटा बढ़िया है। तो सर ये दोनों तरीके से लड़ेगी? दोनों तरीके लड़ेगी, आपको लड़ाना आना चाहिए जी, तो अच्छी है ही है। और अगर लड़ाना नहीं भी आता है तो सर वीरू भाई इस चीज़ की गारंटी देते हैं, अगर नहीं लड़ाना आता है तो आप ये मंझा आप लीजिए और सामने वाले को फंसा लीजिए खाली हजार गज के ऊपर, और निश्चित रूप से काटेंगे काटेंगे। हजार गज के ऊपर क्या, 700-800-500 पे भी फंसा लेंगे तो सर दिए कि हवा बढ़िया होनी जी। हाँ, मंझे लड़ाने की हवा बढ़िया है तो कोई जल्दी इनको काट नहीं पाएगा, मतलब 99% आपका काटा हुआ होता जी, है बिल्कुल बिल्कुल।